लेंटिनम है यहाँ पे, स्कैंडियम, एटिनियम, लेंटिनम, और लेंटिनम के साथ ही स्टार मार्क लगा होता है। और यहाँ पे सीरियम से लेकर के ल्यूटिशियम तक 14 एलिमेंट्स होते हैं। सीरियम 58 से लेके ल्यूटिशियम 70 तक 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनम, लेंथेनम वाले ब्लॉक में, लेंथेनम के ही ब्लॉक में इतने सारे एलिमेंट रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी इनको लेंथेनाइट्स बोलते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी 14 एलिमेंट रहते हैं, उनको हम एक्टिनाइट्स बोलते हैं। यदि यहाँ देखें तो यहाँ टाइटेनियम है, यहाँ जिरकोनियम है, और यहाँ पे हाफेनियम है 71। तो यदि आप इस पर ध्यान दो तो जिरकोनियम से हाफेनियम आते हैं, मतलब जब हम इस सीरीज में चलते हैं सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक, तब क्या होता है देखिए, जब सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक चलेंगे तो सीरियम यदि मैं लूं तो सीरियम इज 58, और यदि अपवाह का प्रिंसिपल आप अप्लाई करें तो अपवाह का प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से है, 1s 2s 3s इधर यू, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 58 के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 हो गया यहां तक, 4p6 36 5s2 38 4d 10 48 5p 6 54, 6s2 56, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 4f में, तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इट इज 4f, दो इलेक्ट्रॉन बच गए, 4f2 या 5d1 4f1, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप देखें यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन 4f में गया, इसके पहले लेंथेनम होता है, लेंथेनम 57 होता है, तो उस समय 4f05d1 होता है, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लेंथेनम का, इलेक्ट्रॉन 4f में जाके 5d में जाता है, इसलिए लेंथेनम इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब यदि यहां पर आप ध्यान दे तो ये हो गया 4f1 5d1, इसमें अब नेक्स्ट जब सीरियम के बाद एलिमेंट आएगा तो 59 फिर 60 61, इस तरीके से आप 14 एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाओगे, इसको शेल्स में भर लो, तो इसको यदि शेल्स में फिलअप करोगे तो शेल्स में फिलअप करने पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6 3d10, फोर्थ शेल में 4s2 4p6 4d10 18 ये हो गए, और 4f1 18, और f में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अच्छा इसके आगे 5 लगा हुआ है और उसके ऊपर 6 लगा हुआ है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s2 ये रहे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि 6s2 में पड़े हुए, बीच में रहेगा न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जिसके कारण एटॉमिक साइज डिटरमाइन होता है। अब लेंथेनाइट सीरीज में एक एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन 14 तक भरेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो भर रहा है एफ के अंदर, एफ सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहा है। उसी दौरान जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, पर जो शील्डिंग है वो शील्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहां पर आप देखें तो 4F का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो 4F का शेप चूंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है इस कारण 4F सबशेल कभी भी प्रॉपर शील्डिंग नहीं करता, इम्प्रॉपर शील्डिंग करता है 4F सबशेल। जबकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि तो हर इलेक्ट्रॉन के आने के साथ उसके साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन के बढ़ने पे न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ रहा है पर इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर रहा है। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा और साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। देयरफॉर जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। मतलब वैसे तो नॉर्मली भी यदि आप ऐसे जा रहे हो, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो साइज छोटा होता है, बट वहां पे शील्डिंग कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है, इस कारण साइज का अंतर उतना ज्यादा बड़ा नहीं आता। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर साइज जो है कॉन्स्टेंटली जो है छोटा होता जाएगा। तो साइज कॉन्स्टेंटली जो है वो छोटा होता जाएगा और हर एक प्रोटॉन के ऐड होने पर इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ आएगा, साइज जो है छोटा होता जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। इसके ऊपर ब्लॉक यदि डी ब्लॉक में आप देखो तो यदि आप टाइटेनियम और जिर्कोनियम में देखो तो टाइटेनियम और जिर्कोनियम के साइज में अंतर आएगा। द साइज ऑफ जिर्कोनियम इज बिगर व्हेन कंपेयर टू द टाइटेनियम। बट जब आप हाफेनियम पे आओगे तो हाफेनियम पे साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा एज कंपेयर टू द जिर्कोनियम, या हाफेनियम पे थोड़ा सा साइज कम हो जाएगा या अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा हाफेनियम और जिर्कोनियम का साइज। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, और ऐसा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, सो ऑन अप टिल जिंक, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस इज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सो द डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज देयर। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से ज्यादा बड़ा होता है, जबकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइज जो है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। एंड द रीजन इज लेंथेनाइड